नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आज जिला पंचायत सीट जो चोली है वहाँ पे पहुँचे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मुस्तकीम जी हैं, जो कि यहाँ से जो है 377 वोटों से जो है विजय प्राप्त की है, तो बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। थैंक यू। मैं कैसा लग रहा है, मतलब कि जीत, इतना लोगों का इतना भरपूर प्यार मिला, आशीर्वाद मिला है और 370 काफ़ी जो है भारी मतों से आपको जो है विजय प्राप्त हुई, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस जीत से। ये हमारी तीसरे बार हम खड़े हुए, इससे पहले हम दोनों बार हार गए, लेकिन अवकार हमारे सभी साथ का बहुत अच्छा साथ मिला हमको, हम इससे बहुत ही खुश हैं। और मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम सनोप रिजवान उर्फ जानी ठेकेदार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, अब आपको जिता भी दिया है, अब आपको क्या लगता है कि भाई मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है, इसका सबसे पहले समाधान होना चाहिए? जी, हम इसका सबसे पहले समाधान करेंगे। क्या क्या आपको क्या लगता है कि ये सबसे मेरे यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या है? आप बना दिया है लोगों ने आपको, जिला पंचायत सदस्य आप बन गए हैं, तो किस तरह से कैसे काम करेंगे आप? जी, जहाँ जहाँ काम बिगड़ा हुआ हम सबको सुधारने की कोशिश करेंगे, हम दूसरों की तरफ भागने की कोशिश नहीं करेंगे, जनता को पीछे छोड़ के। क्या लगता है कि क्या लगता है आपको कि भाई मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या, इसका समाधान सबसे पहले होना चाहिए? हमें रोड पर सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, इसके बाद जो काम होगा वो भी जरूर करेंगे। रोडों की हालत बड़ी खस्ता हुई। जी, रोडों की हालत बहुत खस्ता है, उसे सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कल एक फोटो वायरल हुआ और उसमें जो है आपके पिताजी दिखाई दिए कि आप, जबकि कांग्रेस से आप जीते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो है बताया जा रहा है कि आप जो है भाजपा में शामिल हो गए, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ये तो सब कुछ झूठ है। ये तो जो भाजपा में शामिल होने के बाद चल रही थे, एक बस उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवा था, उनके साथ उन्हें वैसे ही उन्होंने बुलाया था, ये सब बात अफवाहें हैं और जो लोग कह रहे हैं सब गलत है, बिल्कुल गलत है सब। तो आपको क्या लगता है, आप कांग्रेस से जीते हैं तो आपका भाजपा की ओर कोई रुझान नहीं है जाने का, या कोई इस तरह की कोई बात नहीं है? जी, भाजपा की तरह हमारा जाना कोई रुझान नहीं है। हम कांग्रेस समर्थित है और हमेशा कांग्रेस ही में रहेंगे। और जो ये अफवाह चल रही है कि ये कांग्रेस के टिकट से जीते और भाजपा में चले गए, कुछ चीज़ें निकल गई आ रही है कि दबाव बनाया गया कि भाई जो लोगों में जो है कि भाई अगर आप जो है भारतीय जनता पार्टी को अगर आप सपोर्ट में हो तो ठीक है, वरना आपको हटा दिया जाए, कुछ ऐसा था या कुछ इस तरह की दबाव की बात थी? ऐसा कुछ नहीं, देखो जो दुश्मन लोग होते हैं इन्हें तो कुछ जरा सा इशारा चाह रहा कि बातों को फैलाने का, बस ये जरा सा इशारा मिल जाए और ये पूरी अफवाह फैला देते हैं बदनाम करने के लिए। हम हमेशा कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस के समर्थित हैं हम, कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी। तो हमारे साथ में जो है मुस्तकीम जी थे, इनके साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस से जीते हैं तो कांग्रेस में ही रहेंगे, पहले भी कांग्रेस में थे। कैमरा पर्सन मोहन के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड।